हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। देखिए दोस्तों, 4 दिसंबर को जो भी एस एफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होता उसके साथ ही कुछ बड़े सवाल सामने आए हैं। जैसे कि कुछ बी एस एफ ट्रेड्समैन का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपको पेपर दिया जाता है, वो पेपर आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर नहीं ला दिया जाता है, वो एग्ज़ाम सेंटर पर ही वापस ले लिया जाता है। उसके बावजूद भी जो वायरल पिक सामने आई है, जो आपके रियल पेपर है वो कहाँ से आई है, उसके साथ साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी निकल के आता है कि सर, जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर 76 नंबर के सीरियल से आगे का जो भी पैटर्न था वो सीरियल नंबर गलत थे, उसकी वजह से काफ़ी बच्चों की ओमार सीट गलत हो गई, उसका क्या होगा, उसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखो हम पहले एक कमेंट लेते हैं। हमारे इस भाई ने कमेंट किया है कि कैंसिल करवाओ इसे, बकवास पेपर था, 3 से 4 क्वेश्चन गलत थे और 3 मिसटाइप थे, जिनकी वजह से लास्ट 25 क्वेश्चन की सारी सीरीज रॉन्ग हो गई थी। तो ये इन्हीं स्टूडेंट्स का नहीं, जो पहले पारी के जो भी स्टूडेंट्स थे उनके लगभग बच्चों की सीरीज में 76 नंबर के क्वेश्चन 2 बार थे, और जिसकी वजह से उनकी ओमार सीट लगभग पूरी ख़राब हो गई थी। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे इसमें कंप्यूटर वाइज आपकी ओमार सीट चेक होता है, उसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर में डेटा डाले जाते हैं वही वो ऑटोमेटिक उठाता है। ठीक है दोस्तों, तो जिनके आपके सीरियल नंबर की वजह से जो ओमार गलत हो गई, तो वो आपके आंसर जो भी राइट आंसर है उनको भी वो रॉन्ग कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से हमने एक बड़ी पहल शुरू की है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। व्हाट्सएप लिंक है जिसमें आप जुड़ सकते हो और आपके जो भी डाउट है उसमें आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, और आपको अब क्या करना होगा जिसकी वजह से जो ये गलती हुई थी वो पूरा ठीक हो सके। ठीक है दोस्तों, यह जानने के लिए आप अगले नेक्स्ट वीडियो में वेट करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।